बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी से करेले, और इसकी करवाहट भी नहीं होगी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो करेले हैं और 1 किलो आलू है और 4 प्याज हमने काट लिए इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। अभी हम सबसे पहले हमने ऑयल डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसको ऑयल को अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लेना है। अब हमने इसके अंदर डालने हैं करेले। करेले जो हैं उसकी करवाहट ख़त्म करने के लिए ना हमने इसको नमक लगा के रख दिया था, तो अभी हमने इसको धो लिया। अब हम इसको फ्राई करने लगेंगे। ये देखें फ्राई हो रहे हैं और थोड़ी सी करवाहट रह जाती है, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी होती है ना करवाहट, वो ख़त्म हो जाएगी अगर नमक लगा के रख देंगे ना आप। पहले 10 से 15 मिनट इसको नमक लगा के रखना है और फिर इसको ना आपने इसको धो लेना है अच्छे से और फिर इसको फ्राई करना है आप। ये देखें माशाल्लाह कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तलना है जब तक ये लाल ना हो जाए। ये देखें अभी भी थोड़े से बाकी हैं, थोड़े से लाल और हो लें फिर हम इसको उतार देंगे। और इसमें करवाहट इतनी नहीं होगी, बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी इसमें करवाहट, कड़वे ये बिल्कुल नहीं होगा। अल्लाह, ये देखें बिल्कुल तैयार है हमारे करेले, जो लाल हो गए हैं बिल्कुल और क्रिस्पी हो गए हैं बिल्कुल। अब हम इनको ना जो डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमने डिश आउट कर लिया है और कितनी प्यारी लुक है इसकी। और आपने इसको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ना रहने नहीं देना कच्चा, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तो फिर इसमें करवाहट नहीं होगी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। करेले जो हमने निकाल लिए उसी ऑयल में हमने अब प्याज डाल दिए। ये हमने 5 मिनट प्याज को ना भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे आलू। हमने जो है ना आलूओं को भी इसके साथ ही फ्राई करना है। अब हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले। तो 1 चम्मच हमने ले लिया है नमक और 1 चम्मच लिए हमने सुरख मिर्च और 1/2 चम्मच लिए हमने हल्दी और 1/2 चम्मच लिया हमने पिसा हुआ मसाला। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। तो अच्छे तरीके से हमने भूनना है इसके अंदर। थोड़ा सा हमने इसको पानी लगाया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इसको 5 मिनट है ना हमने इसको दम देना है। तो फिर हमारे ये ना जो आलू हैं ये कच्चे नहीं होंगे, गल जाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको ना दम लगाना है। तो अभी हमने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है आग की। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना आलू तैयार हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं। इसको 5 मिनट हमने इसको दम पे लगाया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे करेले। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखें अभी हम इसको ऐड करने लगे हैं इसके अंदर। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर इस पर ट्राई करना है। अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर। अब हमने इसको ना फिर 1/2 घंटा जो है ना
दम पे लगा देना हल्की आग में ना, हल्की आंच पे हमने आग को कर देना है और इसको आधा घंटा हमने इसको दम पे लगाना है। और भाई हम इसके ऊपर फिर ढक्कन लगा देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हम करेले जो हैं तैयार हैं। अभी हम इसको हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह ये देखें इसकी लुक बहुत प्यारी लुक का ये। माशाल्लाह ये देखें मेरे अल्लाह की कुदरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ एहसान अली को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।